तो श्री कर्दम जी के संन्यास लेने के बाद एक दिन माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव के पास आकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट कर रही। सबसे पहले देवहूति यह कह रही है कि हे प्रभो, मैं इंद्रियों की विषय भोगाभिलाषा से बिल्कुल उब चुकी हूं, निर्वीणा। निर्वीणा का अर्थ है मैं श्रांत हो गई हूं, थक गई हूं, अब मैं इंद्रिय के सुख नहीं भोगना चाहती। कैसी इंद्रियां? असत इंद्रिय तर्षणात्। असत, असत के दो अर्थ हैं, एक है क्षणभंगुर असत, जो सदा नहीं रहेगा उसको असत कहते हैं, जो सदा रहता है उसको सत कहते हैं, और दूसरा असत का अर्थ होता है दूषित। विषय भोग करने से इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। तो देहूति कह रही है कि हे भूमन, हे अपरिसीम प्रभो, हे सर्वव्यापक प्रभो, आपका रूप गुण लीला आदि सब अनंत है, तो मैं असत इंद्रियों के तर्स से, विषय भोग की अभिलाषा से निर्वीणा, बिल्कुल उब गई हूं, थक गई हूं। अब इसके बाद मैं इंद्रिय भोग को नहीं भोगना चाहती। इंद्रिय भोग का अर्थ है पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, रसना, टेस्ट लेते हैं, और फिर त्वग इंद्रिय। यह त्वग इंद्रिय शरीर के सब जगह व्याप्त है, पैर में भी सेंसेशन होता है, कान में भी वो त्वग इंद्रिय है, चमड़े से मढ़ा हुआ है ये शरीर, और उसमें भगवान ने स्पर्श की शक्ति, स्पर्श को जानने के लिए शक्ति दी है। सब जगह ये इंद्रिय है शरीर में व्याप्त। तो इंद्रियों के भोग का मतलब है पांचों ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय। आंख का विषय है रूप, नासिका का विषय है गंध, श्रोणेन्द्रिय का विषय है शब्द, और रसनेन्द्रिय का विषय है स्वाद, और त्वग इंद्रिय का विषय है स्पर्श। तो इन पांचों विषयों को भोगते भोगते इनसे सुखी नहीं हो पाई देवहूति, जबकि सबसे उत्कृष्ट कोटि के भोग भोग रही थी। स्पर्श करना या देखना, सूंघना, खाना पीना सब, और यथार्थ बात यह है कि प्रत्येक जीव प्रत्येक शरीर में इंद्रिया प्राप्त करता है, और उसके जीवन के जो भी क्रियाकलाप होते हैं केवल इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है, किसी योनि में जाए और फिर भी वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता है और उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, कभी नहीं। शरीर बदल जाता है, वो इंद्रियां छीन ली जाती हैं, लेकिन वैसी ही इंद्रियां दूसरे शरीर में दी जाती हैं। जैसे कोई कुत्ता का शरीर प्राप्त करे तो वहां भी वो इंद्रिय मिलती है, और देवता का शरीर प्राप्त करे तो वहां भी इंद्रिय मिलती है, और इंद्रियों की मांग को पूरा करने में ही जीव व्यस्त रहता है। कहाँ खाऊंगा, कहाँ स्पर्श करूंगा, कहाँ सुनने को मिलेगा, ये मिलेगा, इसी में व्यस्त रहता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। और असत इंद्रिय तरसरात, असत का अर्थ है अनित्य। इस बद्ध दशा में जीव को जो इंद्रिय मिली हैं शरीर के भीतर, तो ये असत हैं, सब समय नहीं रहेंगी इंद्रियां।
इस शरीर के बीतने के पहले ही इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, और शरीर जब जाता है तब तो ये असत इंद्रिय चली जाती हैं, इनकी वृत्ति फिर दूसरे इंद्रियों में प्रकट होती है। असत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि क्या हमारे साथ जाएगा और क्या वास्तव में सच्चा भोग है। जब से जन्म हुआ है तब से ही नहीं, बहुत बहुत जन्मों में हम लोग विषयों को ही भोगते आ रहे हैं, वही खाना पीना स्त्री संग आदि ये सब यही विषय भोग करते आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इंद्रियां कह दे अब कि अब मैं तृप्त हूं, अब मुझे भोग नहीं चाहिए। ये देखा गया है, सुना गया है कि कोई व्यक्ति अति वृद्ध हो जाता है और उसकी इंद्रियां नाकामयाब हो जाती हैं तो वह अब कायाकल्प करवाना चाहता है, कोई औषधि लेना चाहता है या योगासन करता है जैसे तैसे कि मैं फिर से तो स्वस्थ हो जाऊं, युवक बन जाऊं। किस लिए? वही भोग भोगने के लिए जो पहले भोग रहा था, उसकी उसको कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वास्तव में ये जो इंद्रियां हैं इनका जीव से कोई संबंध है ही नहीं, अतः इन इंद्रियों के भोगों से जीव को कोई सुख नहीं मिलता है। केवल एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में, मन केवल झुठमुठ के मान लेता है कि मुझे यह मिला मुझे यह मिला, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूं मैं पी रहा हूं। जीव की ये इंद्रियां असत हैं, टेम्पररी हैं, क्षणिक नश्वान हैं, और दूसरे जड़ हैं। जीव है स्पिरिचुअल, अतः ये सांसारिक विषयों को लेकर के जीव तक पहुंचा ही नहीं सकती, कोई टच नहीं है जीव का। जीव तो भूखा है स्पिरिचुअल आनंद के लिए, भगवान के रूप रस गंध के लिए। जब तक भगवान का रूप भगवान का गंध भगवान का रस प्रसाद और भगवान का स्पर्श और उनके शब्द नहीं मिलेंगे तब तक जीव कदापि सुखी नहीं हो सकता। तो देवहूति को जो भी भोग मिले विमान पर देवताओं के लोक में घूमने का, मेरु पर्वत की घाटियों में सब जगह, किसी भी सुख के साथ जीव का कोई संबंध नहीं था। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपना में हम चाहे उत्कृष्ट भोग देखें या निकृष्ट देखें, जागृत जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो रहा हूं या बिजनेस किया हूं मुझे बहुत पैसा मिल गया है, सपना में देख, तो जगने के बाद उसके नफा से क्या मतलब होगा? लगे सोचने के अरे मुझे तो व्यापार करके इतना पैसा सपने में मिल गया था, वो अच्छा था सपना ही चलता रहता, क्यों नींद खुल गई। कभी कभी लोग पछताने लगते हैं, कहते यार मैं सपना में बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया था, तुमने जगा दिया, बड़ा गलत किया। तो सपना देख रहा था उसका जागृत जीवन से क्या टच है? अच्छा यहाँ के सपना का थोड़ा थोड़ा संबंध होता भी है लेकिन जीव की जो स्थिति है उसका जो स्वरूप है उसके साथ इन इंद्रियों के भोगों से कोई टच नहीं, कोई स्पर्श नहीं। इसलिए चाहे इंद्रियों का जितना भी भोग भोग करे जीव वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब असत है। असत इंद्रियों से असत विषय को जीव भोगता रहता है। वो सोचता है अब खाऊंगा, खूब बना बनाकर खाऊंगा तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, मैं स्पर्श करूंगा तो मुझे तृप्ति हो जाएगी, मुझे सुख मिलेगा। इसी के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई वायुयान से चल रहा है, कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई कार से इधर उधर भाग रहा है। बॉम्बे वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले कलकत्ता भाग रहे हैं, कलकत्ता वाले इधर जाते हैं, फिर कोई अमेरिका जाता है। क्यों जा रहे हैं? वहां जा करके वहां का सुख भोग करके, चाहे वहां से पैसा लेकर के यहां का सुख भोग करके सुखी हो जाऊंगे, इसी के लिए सारा काम हो रहा है। और सब सपना जैसा बेकार, उससे वो सुखी हो नहीं सकता। इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं
तो वो दूषित पदार्थ को ही ग्रहण करेंगे जो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है।